खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छी लग रही है आप दोनों की। जिस वक्त ये ऑफर आप दोनों को करा गया, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? अरे ये कैसे, मेरा तो हाथ था। ऑफ कोर्स आपको बताया गया था। मैंने भी सुन के, मुझे भी आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ प्रोजेक्ट मुझे यही अप्रोच हुआ था कि सीरिया बालम आफ्टर कमिंग आउट एंड द सॉन्ग वाज वेरी नाइस। रीना मैम इज सो नाइस, उन्होंने जिस तरह से अप्रोच किया मुझे बहुत पॉजिटिव फील हुआ। एंड इससे अच्छा था कि दीपक के साथ था, तो आई वाज वेरी हैप्पी देन हमने हां कर दिया और फिर उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। मेकअप मेकअप तलक तलक अजीज देयर इज अ लीजन यू नो दे आर हियर टू प्रमोट यू टू सपोर्ट यू। हाउ प्राउड यू फील? आई एम वेरी प्राउड। मुझे तो खुद को यकीन नहीं होता कि मेरी लाइफ इतनी चेंज हो गई है कि जिनके मैं गाने सुनती थी और एक बार सोचने के लिए ना विश करती थी या सपना देखती थी कि कोई उनसे मिलना हो रहा है, वो आज हमारे गाने को लॉन्च कर रहे हैं। तो इट्स रियली प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड फॉर माय फैमिली। दोनों बाबू का जो बड़ी डिफिकल्टी आया ना, हमारा टीम ऐसा था और कैमरे के पीछे सर, कोरियोग्राफर सर, और चूंकि हमारा बैंडिंग ऐसा था तो हम लोग अगर अगर कोई मेन कलाकार होता तो मेरी कुछ चीजें जैसे कुछ चीजों में जो हमसे नहीं हो पाए या उनसे हो पाए तो हम लोग शेयर नहीं करते, वो गैप रहता। लेकिन हम लोगों ने इतना बैंडिंग था कि हम लोगों ने जो भी चीजें रोमांटिक क्या कही आपने जैसे दिखा होगा, और फर्स्ट हम कैमरे पे आना, रोमांस करना और अभी कोई अननोन फर्स्ट आउट पर आप नहीं जानते, तो मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाती। केसरिया बालम आपने सुना, केसरिया बालम मैंने गाया है, रीना जी ने गाया है, शिखर ने गाया है।
शिखर ने बहुत ही खूबसूरत उसमें आलाप ली है, जो गाने की जान है, और उसमें दीपक स्वामी ने मॉडलिंग की है, दोनों के ऊपर पिक्चराइज हुआ, आपने देखा गाना। इस गाने में बहुत मेहनत की गई है, वो आपको नजर आ रही होगी, भुज में जाकर शूट किया गया, इतनी बड़ी टीम वहां गई, मैं नहीं जा पाया, इसलिए आप मुझे वीडियो में नहीं देख रहे हैं, लेकिन मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। और रीना जी को बहुत बहुत बधाई है कि इतना खूबसूरत वीडियो आपका बन गया है। थैंक यू। कुछ बोले आप? केसरिया बालम लाइक हमारे लिए तो एक बहुत ही फैसिनेटिंग प्रोजेक्ट है, और इसमें लाइक हमारे मेरे फेवरेट कॉन्टेस्टेंट दीपक ठाकुर को लाइक हमने स्टार कास्ट में लिया, उनके साथ जो सोनी खान का एक लव एंगल था वन साइडेड, वो हमें बहुत पसंद था, हमें उन्हें लाइक बहुत लोगों को बहुत पसंद था, एंड लकीली हम उनसे टच में आके एंड हम चाहते थे कि वो करें और वो हो गया। एंड अमित जलोटा जी ने ये गाना विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम भजन एंड गज़ल्स, यू नो, उन्होंने गाया इतनी अच्छी तरीके से, आई एम रियली थैंकफुल टू द होल टीम, ऑल्सो शिखर कुमार जी ने जो आलाप दिया और आलाप से चार चांद लगाए गाने को, इट इज़ जस्ट वंडरफुल। एंड आई वुड लाइक टू थैंक आवर म्यूजिक कंपोजर उमेश मिश्रा जिन्होंने इतना प्यारा सुंदर सा गाना बनाया है, और हमारे डायरेक्टर जी सुनील अग्रवाल भाई साहब जो है, उनके बिना तो ये गाना इतने अच्छे से लाइक चार चांद लगे इस गाने को, यू नो, जो उन्होंने शूटिंग करी है, सो ओवरऑल इट्स वेरी वंडरफुल एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी, यू नो, फॉर दिस सॉन्ग। और आप सबका शुक्रिया आएगा। वेल, देखिए मैं बहुत नया हूँ इंडस्ट्री में एंड अभी अभी काम करना स्टार्ट हुआ है, तो अनूप सर के आशीर्वाद की जरूरत है, डॉक्टर रीना मेहता मैम के जो मेरी सपोर्ट थी, और उमेश मिश्रा सर जो म्यूजिक डायरेक्टर गाने के, उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया इसमें, और चाहता हूँ कि मैं आगे ही अच्छा ही ऐसा काम करता रहूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू। खुशी हो रही है बहुत, एंड ऑनेस्टली मैंने ये सब चल रही Yeah, I was very nervous at the beginning, but as you get to do it, you get more comfortable in front of the camera, it just becomes a lot easier. So the first day I was quite nervous, the second day it was a lot better, we were doing things a lot faster. So I guess it's a first time, so you always have the number the first time, and if it's low, it's only going to go up from there. बहुत मजा आया, हमें शूट पे बीच पे शूट किया हमने, और हमारा जीप वाला सीन, ओह माय गॉड, दैट वाज सो अमेजिंग। आपकी फीलिंग हो रही है सॉन्ग लॉन्च हो चुका है, बस अब रिलीज होने का वेट कर रहे हैं, और सुपर डुपर हिट है सॉन्ग हमारा। आपने आज भी किया आनंद सॉन्ग, किस तरह एक्सपीरियंस रहा? वो हमें अपिंग करने के लिए बोला तो नहीं था, लेकिन हो गया, बिकॉज आई वाज देयर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, आई रियली एंजॉयड द एक्चुअली आई एंजॉयड द टीम, आई एंजॉयड द कंपनी ऑफ सोनी, दीपक जी, रांच, एवरीबॉडी, सो बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस, यू नो, इट्स लाइक आई विल चेरिश थ्रू आउट माय लाइफ। यस, गाना बहुत ही सुनीला, बहुत बखूबी लिखा है जमील भाई ने। जमील भाई कहाँ लिख था पता नहीं, अभी यहीं पे थे जमील भाई। जमील भाई आप हैं मौजूद, गोफी मेरे बहुत पुराने मित्र, उन्होंने बहुत अच्छा कंपोज किया, बहुत सुरीला कंपोज किया, ये जमील भाई उन्होंने बहुत जो है रूहानी तरीके से रूहानियत फैला दी है गाने में, घोल दी है मिश्री की तरह। और रीना जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि शी थॉट ऑफ मी टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग, और या सो नाइस ऑफ हर, एंड इक्वली best wishes to Jayansh and Nishani. I think it's your debut, right? It's your debut also. जो है उन्होंने किया है, दोनों ने बहुत अच्छा, मेरी हमेशा दिली ख्वाहिश होती है, आप लोगों से सभी की बात होती है कि रोमांटिक सॉन्ग्स मुझे गाने को मिले, कुछ जिसमें ठहरा हुआ गाने को मिले, तो जितना आप लोगों ने प्यार दिया है हुक्का गार से लेके अब तक जिंदा भारत तक, उसके अलावा अभी जो ये गाना है सांसों की तरह, मैं समझता हूँ कि एक अलग से उभर के आएगा, क्योंकि ये एक अलग ही जानवर का गाना है, एक अलग मूड का गाना है, मिजाज का गाना, और ऐसा मिजाज जो है आप लोग, अभी बारिशें भी शुरू होने वाली हैं, तो सावन के महीने में अच्छे से सुनिए, वो गाना बहुत अच्छा लगेगा। सांसों की तरह दिल है,
तू बहता है। ये सॉन्ग हमने शाहिद मालिया जी के साथ गाया है। एक्चुअली ये सॉन्ग बनी थी फिल्म यही सच है के लिए, जो किसी रीजन से आगे नहीं बढ़ पाए, और हमारे म्यूजिक कंपोजर ने सोचा कि और हमारे डायरेक्टर ने सोचा कि इतना ब्यूटीफुल जो सॉन्ग है इसको हम बाहर लाए, तो इसकी हमने शूटिंग करी है ना। सो आई एम क्वाइट फॉर्चुनेट की मूवी के लिए होकर भी ये सॉन्ग हमारा बाहर आ रहा है। सो इट्स वेरी नाइस। एंड हमारे जो स्टार कास्ट है समीर अंका जी, जो ये रिश्ता क्या कहलाता है के आर्टिस्ट है, और इन्होंने इसमें बहुत ही सुंदर काम किया है बैबी जोशी के साथ, जो भी कुछ आंध्रा फिल्म में काम कर रहे हैं। सो आई वेरी थैंक ऑल ऑफ देम, एंड ऑल थैंक ऑल्सो गोज टू आवर डायरेक्टर सुनील अग्रवाल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक्स कहना चाहूँगा, बहुत बड़ा सा थैंक यू रीना जी को एंड सुनील जी को, जिन्हें मुझमें नजर आया उनका कैरेक्टर जो इन्हें गाने में सूटेबल लगा, तो थैंक्स इसके लिए। और इसके बाद काफ़ी मेहनत की इन्होंने हमें अच्छा दिखाने के लिए, और गाने को बहुत ही ग्लैमराइज करने की कोशिश की गई है। आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगा, और बाकी आवाज़ का जादू आप देख ही चुके हैं, बाकी और दो गाने में भी रीना जी की। जब सॉन्ग आपके पास ऑफर हुआ था क्या माइंड में चल रहा था, क्योंकि ये रिश्ता काफी हाइप पे है फिलहाल। हाँ नहीं, मैं आपको बताऊं कि बहुत ही मेरे लिए बहुत लकी साबित हुआ गाना, क्योंकि ये गाना करने के बाद ही मुझे रिश्ता मिला था, तो मेरे लिए बहुत लकी है और बहुत अच्छा लगा था गाना शूट करते टाइम। एंड आई होप कि बहुत ही सेंसुअस एंड बहुत प्यारा गाना है।